Hello students, welcome to e-learning class organized by RRB Group of Schools. I am Jagruti Gupta, physical education teacher. Here I am going to start the class 12 physical education class. Okay, today we are taking chapter 1, which is planning in sports. What is planning? हमें कोई भी चीज को करने से पहले अगर हमारे पास उसका सेटअप रहेगा, प्रॉपर प्लानिंग रहेगी, देन वी विल अचीव बेटर रिजल्ट्स. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज प्लानिंग. अकॉर्डिंग टू मिशेल, प्लानिंग इज अ यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू अचीव डिजायर ऑब्जेक्टिव्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटेट एक्शन. प्लानिंग क्या है हमारी? एक यूजुअली एक क्या है? स्ट्रैटेजी है, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. वो क्या करती है हमारी? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ओके, सॉल्विंग एन प्रॉब्लम एंड फैसिलिटेट एक्शन. जो हमें एक्चुअल में एक्शन करना चाहिए वो अगर प्लानिंग है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमारे एक्शन को के सर्वे हमको फॉरवर्ड कराती है. ओके, और क्या क्या कहते हैं प्लानिंग के बारे में? प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर अ फ्यूचर लाइन एक्शन. प्लानिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्क किसी एक फ्यूचर लाइन के लिए. एक फ्यूचर में क्या काम करना है उसके लिए एक हमें सीक्वेंस ऑफ वर्क प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, अ प्लान इज अ ट्रैप लाइन टू कैप्चर द फ्यूचर. एक प्लान क्या है हमारा? अब सिर्फ एक फ्यूचर को कैप्चर करने की स्ट्रैटेजी है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग टू कीप कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज विच सजेस्ट दैट प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. प्लानिंग एंड कंट्रोल आर बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. अगर हमारा प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग वी हैव, देन वी हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, ओवर ऑल द टाइमिंग, एनर्जी एक्सेट्रा. नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट. अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है देन वी कैन ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट इन अ बेटर वे. ओके, रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. नेक्स्ट, इट सजेस्ट प्रोग्राम कैन बी कंडक्टेड विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद लेस मिस्टेक रैदर देन फोकसिंग ऑन सक्सेस. अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होगा प्रॉपर अच्छे से कंडक्ट होगा. ठीक है, प्लानिंग है, हमारे पास सारी टीम्स हैं. स्पेशली यहाँ पे हम फोकस करेंगे जब हम कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट होते हैं. हम सभी चीज सभी के वर्क को अपना डिवाइड कर देते हैं. ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है. ओके, इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द ड्यूटीज टू एवरीबॉडी. अगर सारा टेंशन हमने खुद के लेके रखना है तो डेफिनेटली सारी चीजें अचीव नहीं हो सकती है. ओके, सो अगर हमने सभी के वर्क डिवाइड कर दिए हैं तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? ओके, दिस एजुकेशन पार्ट में भी टेक दिस वन, ये इक्विपमेंट देख लेगा, ये ग्राउंड देख लेगा, ये ऐसे करके अलग अलग चीजें. तो क्या होता है, हमारा फोकस किस पे हो जाता है? फिर मेन टारगेट पे. ओके, नेक्स्ट, टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल. नेक्स्ट, टू इफ यू हैव टू प्रॉपर प्लानिंग देन टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर. हमारे पास टाइमिंग है, पहले से हमें पता है इस ये वेन्यू है हमारा, ये डेट है हमारा, इस डेट पे कॉम्पिटिशन होने वाला है. फिर एवरीवन कैन मैनेज कि हाँ हमें इस जगह पे जाना है, ये कॉम्पिटिशन इस डेट पे है. अब कुछ पता ही नहीं है तो आपको क्या होगा, प्रेशराइज हो जाओगे सडनली. अब आपको सडन कोई कह दिया जाए आपके क्लास टेस्ट हैं, डेफिनेटली चाहे जितना अच्छा आपने स्टडी किया हो थोड़ा बहुत पैनिक हो जाता है इंसान. देखिए एंजाइटी आ जाती है एग्जाम के नाम से आ जाती है. इसलिए हर चीज की एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द कमिटीज. जो हमारी टीम मेंबर्स होंगे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले, अगर हमें प्लानिंग है, हमने सबको सबके वर्क ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, सबको हर चीज की इन्फॉर्मेशन है, देन क्या है प्लानिंग बेटर प्लानिंग की वजह से हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन बेटर होता है. नेक्स्ट, टू हैव कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज एंड इम्प्रूव इफिशियंसी. कि सारी एक्टिविटीज हमारे अंडर कंट्रोल में होने वाली है और हमारे उसका जो वर्क की जो एफिशियंसी है वो क्या रहेगी, इन बेटर रहेगी. नेक्स्ट, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. नेक्स्ट, इट टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी. नेक्स्ट, टू इनहेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. इफ वी हैव प्रॉपर प्लानिंग डेफिनेटली वी विल इनहेंस अवर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज टू मीट डिमांड. नेक्स्ट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. हियर अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. विच काइंड ऑफ डिसीजन व्हाट यू थिंक? हियर वी आर टारगेटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स प्लानिंग. यस, सो इन अ स्पोर्ट्स फील्ड अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर के डाटा है या वो या तो किसी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड हो, आइदर वो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू एथलीट हो. अगर पुराने बच्चों के हमें उसके रिकॉर्ड पता है कि या इसका ये लास्ट मंथ का ये रिकॉर्ड रहा है, इसने इतनी ट्रेनिंग करी थी तो ये टाइमिंग रही है,
उस सारे डाटा बेस के अकॉर्डिंग बेस पे जा करके हम इजिली डिसीजन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारी है वेरियस कमेटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, वो टीम मेंबर्स के सबका क्या क्या रोल है वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरियस कमेटीज क्या क्या होती है, सबसे पहले आती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कमेटी, उसके नीचे आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड उसके नीचे आती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ओके, सबसे हाईएस्ट कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर में अंडर कौन वर्क कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, एंड उसके अंदर में कौन वर्क कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। क्लियर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या होती है, जो जिस भी वेन्यू में जिस जगह पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वहां पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जब जब कॉम्पिटिशन बनते हैं तब तक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपने से फिर से डेवलप होती है, फिर से बनाई जाती है। जब कोई कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होता है या किसी भी तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। क्लियर, अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर क्या क्या कमेटीज आती है हम उसको जरा देख लेते हैं। फर्स्ट इज पब्लिसिटी कमेटी, नेक्स्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, नेक्स्ट रिसेप्शन कमेटी, नेक्स्ट डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, नेक्स्ट ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी, नेक्स्ट एंट्रीज एंड प्रोग्राम, नेक्स्ट ऑफिशियल, नेक्स्ट अनाउंसमेंट कमेटी, नेक्स्ट प्रोडक्शन कमेटी एंड नेक्स्ट फाइनेंस कमेटी। अभी ये मैंने आपको कमेटीज के नाम बताए हैं, डोंट वरी, अभी मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जस्ट मैं इतना सा, ये एक छोटा सा एक टेबल है, इस पिक्चर को रखोगे तो आप आगे अच्छे से क्या बोलते हैं सभी के नाम से ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियर हो रही है, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन हम आगे करेंगे। ये याद रखिएगा बच्चों कि ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इसका मेन रोल है, इसके बिना अगर इसने अच्छे से वर्क नहीं किया, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आपको ऑलरेडी दिख रही है, तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर डिपेंड करता है कि हमारा टूर्नामेंट कैसा होने वाला है। क्लियर, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लुक आफ्टर कौन करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्रेशर है, वो कैसे देख पाएगी, वो उसको लुक आफ्टर करने के लिए हमारी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी लुक आफ्टर करने के लिए होती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। ओके, अब आगे देखते हैं कि इन कमेटीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरियस कमेटीज आर फॉर्म्ड अंडर द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। क्लियर, क्या है, हमने पहले आपको पिछले स्लाइड में बता रखा था पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पब्लिसिटी करनी है। ओके, इट्स मेन ड्यूटी इज टू एडवर्टाइज द स्पोर्ट्स इवेंट। ओके, स्पोर्ट्स इवेंट को एडवर्टाइज करना है कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एंड कवरिंग नीड्स टू द प्लेयर एंड ऑफिशियल्स। प्लेयर एंड ऑफिशियल्स के लिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड फूडिंग का जो भी अरेंजमेंट करना है वो अरेंजमेंट कौन करता है, वो अरेंजमेंट होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, इज इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी अरेंजमेंट होते हैं वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कमेटी करती है। नेक्स्ट ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्राउंड एंड इक्विपमेंट इक्विपमेंट लाइंग आउट द ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है, इसका भी रोल बहुत होता है, क्योंकि जो हमारे प्लेयर्स होते हैं उनके बहुत फेवरेट होते हैं ये कमेटी वाले। ग्राउंड्स में क्या क्या इक्विपमेंट है, क्या कैसा ग्राउंड है, कहीं सैंड होता है, कहीं आपका क्या बोलते हैं सिंथेटिक ट्रैक होता है, क्रिकेट ले लो तो फुटबॉल ग्राउंड ले लीजिए, ग्रासेस होती है वहाँ पे, मतलब सभी ग्राउंड एंड फील्ड की क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, सो उसको प्रॉपर मेंटेन करने का काम किसका है, हमारी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का। ओके, अब इक्विपमेंट भी देखना होता है, इक्विपमेंट सही तरीके से लगे हैं या नहीं लगे हैं, नेट है, बॉल है, बॉल में प्रॉपर एयर है या नहीं, अगर रैकेट तो सबके अपने होते हैं, बॉल तो कॉम्पिटिशन बॉल तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमें प्रोवाइड करती है, उससे होता है। आप क्रिकेट का ले लो, क्रिकेट कितनी अच्छी है कि नहीं, वो सारी चीजें कौन देखता है, वो सारी चीजें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी की। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी, दिस कमेटी टेक्स द चार्ज टू सप्लाई रिफ्रेशमेंट एंड ड्रिंक टू गेस्ट ऑफिशियल एंड कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी ये वर्क करती है ऑन द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड पे जहां कॉम्पिटिशन हो रहा है उनका वर्क, इनका वर्क वहां पे होता है, जिनकी वाटर अवेलेबल कराना, टी कॉफी स्नैक्स वगैरह छोटे छोटे, क्योंकि एक मॉर्निंग से इवनिंग तक पे कॉम्पिटिशन कंटिन्यू चल रहा है, प्लेयर्स को गैप मिलता है क्योंकि उनको खेलना है, बट ऑफिशियल्स भी सेम वर्क करते हैं, जितना ज्यादा वर्क वो करते हैं ना प्लेयर का भी उतना होता है। ओके, एंड ऑफिशियल्स हैं जैसा
जाते हैं, सुबह जाके बैठ जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो उनको उनके हेल्थ को और उनको इंटरटेन करने के लिए हमारी रिफ्रेशमेंट एंड रिलैक्समेंट कमेटी होती है, रिसेप्शन कमेटी। द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी में रिसेप्शन कमेटी का रोल होता है कि कैसे दोनों सेरेमनीज को प्रॉपर वे में कंडक्ट कराना, कौन आ रहा है, उनका क्या रिफ्रेशमेंट लग रहा है, इवन एवरीथिंग, जो जीत गेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में नॉलेज, एवरीथिंग वो किसका होता है, रिसेप्शन कमेटी का। अब हमारी आ गई कमेटी इंट्रीज एंड सुझाव। दिस कमेटी सेंस इंट्रीज फ्रॉम It also arranges the seat for guests and spectators. It sometimes also prepares pictures to the team participants. Committees and interviews and programs. आपको बता देती हूँ, जब कोई कॉम्पिटिशन होता है तो उससे पहले एक एंट्री फॉर्म जनरेट किया जाता है, ठीक है। जैसे जब आप स्कूल आते हो, जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, आप एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हो, यस सेम लाइक दैट। आपको यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन कॉम्पिटिशन के लिए एक एंट्री फॉर्म बनाया जाता है। वो एंट्री फॉर्म हमें कॉम्पिटिशन डे से पहले ही जो भी टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है उनको हमें देना होता है, और कॉम्पिटिशन डे के पहले ही हमें उनसे वो रिसीव भी करना होता है, क्लियर। तो पहले से आज एंट्री फॉर्म को हमें क्या क्या मिल जाएंगे, हमें नंबर ऑफ प्लेयर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स मिल जाएंगे, ठीक है, और कि कौन कहाँ से आ रहा है, किस एटमॉस्फेयर से आ रहा है। हम एक्चुअल तो अरेंजमेंट नहीं करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें, ओके। तो इसलिए कमिटीज ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो एक एंट्री फॉर्म को जनरेट करते हैं, वो पहले से ही टीम को दे देते हैं, मतलब किसी स्टेट की है तो स्टेट को, और फिर वापस वो एंट्री आ जाती है, डाटा एंट्री करके के सारा एक पूरा एक डाटा बनाना वो काम होता है हमारा इनका। नेक्स्ट है कमिटी फॉर ऑफिशियल। दिस कमिटी सेलेक्ट वेरियस ऑफिशियल सच एज रेफरी, जज, अंपायर एक्सेट्रा। ये हमारी ऑफिशियल कमेटी क्या करती है, हमारे सारे ऑफिशियल्स को लुक आफ्टर करती है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट कमिटी। दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। ये जो अनाउंसमेंट है ड्यूरिंग ऑन द ग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड कौन सी टीम के बारे में, किसी मैच के बारे में अगर डिस्कशन करना है, अदर कोई गेस्ट आ गया है, अदर किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, वट एवर काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है, वो सारी हमारी ऑन द ग्राउंड हमारी अनाउंसमेंट कमेटी करती है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड कमेटी। दिस कमेटी प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द विक्टिम और इफेक्टेड स्पोर्ट एथलीट। ये हमारा हमारे पूरे टूर्नामेंट में बहुत बड़ा रोल होता है, ये हमारी एक मेडिकल टीम होती है, ठीक है, मेडिकल वॉरियर्स भी कह सकते हैं। तो ये क्योंकि इनके नहीं होने से मैचेस में कहीं ना कहीं बहुत सारी टेंशन रहती है, अगर टेस्टेड होती है हमारे पास है, हमारी मेडिकल टीम है, तो वी ऑल नो कि ऑन द ग्राउंड चोटें तो लगती रहती है, ठीक है, कभी कभी वो नॉर्मल इंजरी होती है, कभी वो ज्यादा सीवियर इंजरी का केस लेती है। तो फर्स्ट एड कमेटी का कोई भी किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन हो उनका वहां होना जरूरी है। नेक्स्ट इज फाइनेंस कमेटी। दिस कमेटी इज रिलेटेड टू फाइनेंस मैनेजमेंट, इट प्रिपेयर द बजट एंड मेंटेन द अकाउंट इफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारे फाइनेंस कमेटी का क्या रोल होता है, जितने भी तरह के एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, कहाँ पे क्या खर्च हो गया, ठीक है, कहाँ से कितना हमारे पास बजट था, एक्चुअल में क्या अमाउंट था, ठीक है, उसका वो सब की क्या रिकॉर्ड रखना था, वो किसका है, हमारी फाइनेंस कमेटी का। ये अब तक हमने जितना बताया वो क्या था, हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर में आ रही सभी कमेटीज के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब हमने कमेटी पहले जान लिया, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी जान लिए, अब हम उन्हीं कमेटी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जानेंगे ऑन द ग्राउंड लाइक टूर्नामेंट, ठीक है। क्या है हेडिंग हमारी, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटीज। प्री कॉम्पिटिशन होने से पहले, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन एंड पोस्ट आफ्टर द कॉम्पिटिशन, आफ्टर द टूर्नामेंट, कौन सी कमेटीज का क्या रोल है, हम वो यहाँ पे समझेंगे, ओके। फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट बीच कमेटीज आर फॉर्म अंडर थ्री हैंड्स। दीज आर प्री मीट कमेटीज। प्री मीट में क्या क्या आता है, पब्लिसिटी कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, ओके।
और इसमें लिखा नहीं है बट फाइनेंस कमेटी है हमारी जो कॉमन कमेटी है, उसके बिना तो कोई भी रोल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मीट कमेटी, मतलब पहले तो प्री मीट, प्री टूर्नामेंट, उसके बाद ड्यूरिंग टूर्नामेंट, उसमें क्या क्या है, रिफ्रेशमेंट कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ओके, यहाँ पे एक और आएगा एकोमोडेशन एंड लॉजिंग फूडिंग कमेटी। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स लाइक अवार्ड कमेटी, जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह करेंगे वो मेन रोल है। क्लियर, बाकी और सभी कमेटीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि उनका प्री में ही काम है, ड्यूरिंग में काम नहीं है, सबका सबने काम है, बट ये जो लिखा हुआ है ये मेन इनका रोल इसमें ज्यादा है। ओके, अब देखते हैं प्री टूर्नामेंट में क्या क्या है। प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो प्रिपेयर द बजट, देखिए आप हमारी फाइनेंस कमेटी यहाँ आ गई, टू प्रिपेयर द बजट ऑफ द टूर्नामेंट स्पोर्ट्स इवेंट, बिकॉज विदाउट सफिशियंट बजट इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज इवेंट इन अ सिस्टमेटिक वे, राइट। विदाउट सफिशियंट लाइक बजट वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। क्लियर, नेक्स्ट टू प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ द इवेंट दैट इज डेट एंड वेन्यू, यहां हमारी कौन सी कमेटी आ गई, एंट्री वाली कमेटी आ गई। क्या पहले से ही क्या प्रिपेयर करना है, डेट एंड वेन्यू, डेट वेन्यू पता होगा तो हमारा एंट्री फॉर्म जनरेट हो जाएगा तो हम अपनी अदर टीमों को दे सकते हैं। नेक्स्ट टू प्रिपेयर ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, अब हमें पहले कॉम्पिटिशन कराने से पहले ये भी चेक करना होता है हम किस जगह के ग्राउंड पे कॉम्पिटिशन कराने वाले हैं, वो चीजें हमें एक जो हमारा एक फिक्चर एक जो इन्विटेशन बनता है उसमें सारी चीजें जाती है, इसलिए सारी चीजें बहुत नेसेसरी चीजें हैं। ठीक है, तो कितने ग्राउंड है हमारे पास, कितने इक्विपमेंट है हमारे पास, तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं कितने डेज, नंबर ऑफ डेज का टूर्नामेंट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स। ओके, हमने डेट एंड वेन्यू पता कर लिया, हमने ग्राउंड पता कर लिया, इक्विपमेंट हो गया, अब हमें यहाँ तक में तो हमारी पिक्चर इतनी क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ डेज का फंक्शन होने वाला है। अब क्या है, हमें देखना है कि जो टीम्स आ रही है, जो ऑफिशियल्स एंड प्लेयर्स, जो भी लोग आ रहे हैं वो रहेंगे कहाँ, उनका लॉजिंग एंड फूडिंग का अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट टू अरेंज प्राइज एंड सर्टिफिकेट फॉर विनर, हमें अब ये सारी चीजें होगी, अब हमें क्या डिसाइड करना है कि जो प्लेयर्स आ रहे, जो विनर्स होंगे, हम एक्चुअल में उन्हें देंगे क्या सर्टिफिकेट, तो हम जनरली सभी नॉर्मल है, सब जगह दिया जाता है, बट सर्टिफिकेट के अलावा क्या देना है, हमें मेडल देना है, हमें ट्रॉफी देना है, हमें प्राइज मनी देना है, वॉट एवर थिंग्स वी नीड टू गिव वी हैव टू प्लीज। ओके, नेक्स्ट टू सेंड द एंट्री फॉर्म टू द वेरियस इंस्टीट्यूट अर्ली एंड रिसीव देम ऑन टाइम फॉर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ पिक्चर। देखिए ऊपर से क्या क्या चीजें आई थी, सबसे पहले हमने क्या किया, डेट एंड वेन्यू डिसाइड किया, फिर क्या किया हमने, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट देखा, फिर हमने उनका लॉजिंग फूडिंग देख लिया, फिर हमने क्या देख लिया, सर्टिफिकेट एंड उनको और क्या चीजें देने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें कहाँ मेंशन करनी होती है, जब हम एक इन्विटेशन देते हैं किसी टीम को या किसी स्टेट को कि हाँ मैंने ये मतलब कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है, वहाँ उस फॉर्म में उसको हम लोग वैसे क्या बोलते हैं, एक एंट्री फॉर्म होता है, एंट्री फॉर्म भी होता है, प्लस उसमें एक इन्विटेशन कार्ड होता है, चीजें एक सर्कुलर बोलते हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो एक सर्कुलर प्रॉपर बनता है, उस सर्कुलर में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है क्या क्या चीजें टूर्नामेंट में होने वाली है, क्योंकि वो सर्कुलर ही इफेक्टिव होता है कि अब जैसे आप ले लीजिए कि अगर हम बोलते थे हम प्राइज मनी देने वाले हैं कि हाँ विनर्स को हम 1,00,000 रुपीज देने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो 1,00,000 के लिए बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, राइट, उन्हें अपनी एक विक्ट्री तो चाहिए होती है, प्लस ये जो 1,00,000 हुआ वो उनको एक मोटिवेशन देता है। क्लियर, तो अगर सर्कुलर में एवरीथिंग मेंशन होगी तो हमारे पास पार्टिसिपेंट ज्यादा आएंगे, टीम ज्यादा आएगी और हमारा इवेंट ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ओके, तब हमने जनरेट कर लिया अपना एंट्री फॉर्म और सर्कुलर, और हमने क्या किया, इंस्टीट्यूशन को हमने सेंड कर दिया, प्लस देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसीव देम ऑन टाइम, जो टाइम हमने दे रखा है रिसीव करने का वो रिसीव भी करना है, जिससे कि हमारी आगे की चीजें प्रिपेयर हो सके, होप एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट फ्री हो गया, अब आते हैं ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन में क्या होता है, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉग्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। देखो हमने फर्स्ट में फ्री में कितनी सारी मेहनत करी थी, ऐसे तो कोई भी चीज ईजी नहीं है, हमने ग्राउंड देखा, पब्लिसिटी के लिए एवरीथिंग किया, अब इनॉग्रेशन ही जब बेटर नहीं होगा तो हम क्या टूर्नामेंट का जो हमारा एम है गोल है वो अचीव कर पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। ओके, तो प्रॉपर इनॉग्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, जो टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टू चेक स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड इक्विपमेंट और इन ऑर्डर और नॉट, ठीक है, यहाँ पे हमारी अगर ग्राउंड
इक्विपमेंट कमेटी का रोल आ गया। ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट चेक करना होता है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में चेक कर लिए, एवरी मैच के बाद देखना पड़ता है, ठीक है, और हर दिन देखना पड़ता है, हर मैच के बाद देखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज द शेड्यूल और नॉट। अब क्या है, जो इवेंट है, जो सर्कुलर हमने बना रखा था, जो एक हमने टाइम से स्लॉट दे रखा था टीम्स को, क्या उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा फंक्शन रनिंग रन हो रहा है या नहीं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट आता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे। अगर हम अभी बोल देते किसी टीम को कि आपका 5 o'clock कोई मैच है, ठीक है, एक फुटबॉल का ले लेते हैं, ठीक है, आप फुटबॉल का मैच 5 o'clock है, आपने सडनली उसको खुद लाइक आपने आज पहले इन्फॉर्म कर दिया 5 बजे नहीं कि आपका मैच 3 o'clock है, तो आप हम सबका ये क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी मेंटली हम जो प्रिपेयर 5 o'clock के लिए हम सडनली 3 o'clock में फिट नहीं हो पाते, इतना क्विक रिस्पॉन्स हर एक एथलीट करे डजंट मैटर। ओके, तो उसका इफेक्ट कहाँ आ जाता है, हमारे परफॉर्मेंस पे आता है। उसके बाद हम आप ले क्या है, टू इंश्योर सॉरी टू प्रोवाइड एन अपडेट इन्फॉर्मेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। अब क्या है, कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, अब ये डेवलपमेंटली फंक्शन हो रहा है तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, पूरा दिन का फंक्शन जाएगा तब हम अपडेट करेंगे, नो, हमें जस्ट आफ्टर द मैच, आफ्टर द कॉम्पिटिशन, एवरी इवेंट, जितने भी टीम के मैचेस हो रहे हैं, हर इवेंट के, हर मैच के बाद हमें क्विकली उसको अपडेट करना है। आज की चीज टेक्नोलॉजी आ गई है, विद इन अ सेकंड सारी चीजें अपलोड हो जाती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों जगह हमें अपलोड करना है। नेक्स्ट, टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना नॉट ओनली फॉर द एथलीट, इट्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिसिप्लिन एवरी वन। ओके, नेक्स्ट, पोस्ट टूर्नामेंट, अब कॉम्पिटिशन हो रहा था, फंक्शन हो गया, ठीक है, अब पोस्ट टूर्नामेंट क्या आता है, टू गिव प्राइज एंड सर्टिफिकेट टू विनर्स एंड मोमेंटो टू द चीफ गेस्ट एंड अदर्स। क्या है, हमने ऊपर क्या किया था, ओपनिंग की थी, ओपनिंग सेरेमनी की थी, अब हमारे क्या आ गया, क्लोजिंग सेरेमनी की बात आ गई, तो हमें जो भी हमने चीजें पहले डिसाइड कर रहे थे, क्या प्राइज देने वाले हैं बच्चों को, क्या प्राइज देने वाले हैं एथलीट्स को, प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को क्या देने वाले हैं, वो सारी चीजों का हमको क्लोजिंग सेरेमनी में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करना है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रिजल्ट एंड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया। अब यहाँ पे क्या है, फाइनल रिजल्ट हमें देना है, मीडिया को फाइनल रिजल्ट देना है कि नंबर ऑफ डेज का कॉम्पिटिशन था, 3 डेज का कॉम्पिटिशन है, नंबर ऑफ डेज का कॉम्पिटिशन डालना है, कितनी टीमें आई थी, कौन जीता, कौन आ रहा, वो सारी चीजों का प्रॉपर डाटा बना करके क्या देना है, अब फाइनल रिपोर्ट किसको देनी है, हमें मीडिया को देनी है। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड टू द डिपार्टिंग टीम। अब देखिए, पहले हमने मीडिया को लाया इन्फॉर्मेशन देने का, क्यों, यहाँ पे क्या है, टीम जा रही है, पहले से अगर हमारी रिपोर्ट बन चुकी है स्पेशली विनर्स एंड लूजिंग टीम वाली, तो क्या होता है, उससे साइंस होते हैं, किसके किसके होते हैं, हमारी और जो ऑफिशियल कमेटी होती है सबकी साइन होती है। अब यहाँ पे क्या था, सिक्योरिटी रिफंड स्टूडेंट डिपार्टमेंट टीम, हम जब कोई टीम आती है तो हम उनसे एक सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, ठीक है, अब वो जो तो हमने वो रिफंडेबल अमाउंट होता है, वो अमाउंट को क्या करना है, रिफंंड करना है। नेक्स्ट, टू कलेक्ट ऑल रिकॉर्ड एंड फाइल्स रिलेटेड टू टूर्नामेंट, वट एवर काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गिविंग टू अदर्स ऑफिशियल्स कमेटी, सबको हमने कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ स्टेशनरी होगा, कुछ आपका विसिल्स हो गए, नेट हो गए, बॉल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वो सारी चीजें क्या करना है, हमें वापस रिकलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, टू मेक पेमेंट टू द ऑफिशियल्स एंड अदर वॉलंटियर्स। अब हमने काम तो सबसे ले लिया, अब हमने जो भी डिसाइड किया होगा पहले उनको पेमेंट करना है, उनको भी रिलीफ करना है। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर रिपोर्ट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट। हमारे फाइनेंस कमेटी वाले भैया जी आ गए ऑफिस से, अब इनको क्या करना है, इन्होंने स्टार्टिंग से काम करते आए थे, तो इनका अब यहाँ जाके काम फिनिश होगा कि ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में इतने का हमारा बजट था, इतना खर्चा, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग, सारा फाइनेंस से रिलेटेड का काम ये अभी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये थी हमारी क्या, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट की डिफरेंट डिफरेंट मैंने पार्ट करके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब की। ओके, अब क्या है, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट होता क्या है, क्यों करना है टूर्नामेंट, ये अब देखते हैं। अ टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन हेल्ड अमंग वेरियस टीम इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू अ फिक्स शेड्यूल वेयर अ विनर इज डिसाइडेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिक्स शेड्यूल, कोई एक शेड्यूल हमारा ऑलरेडी फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग एक से ये क्या नंबर ऑफ पीपल के अंदर एक टूर्नामेंट होता है, किस लिए, एक विनर को डिसाइड करने के लिए। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट विच डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। यहाँ हमने कई तरीके होते हैं टूर्नामेंट
के लिए वो हमारे फैक्टर्स क्या है देख लेते हैं. द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट्स टीम फैसिलिटेट ऑफ ग्राउंड इक्विपमेंट एंड नंबर ऑफ ऑफिशियल्स अवेलेबल. क्या है सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टीम, कितनी टीमें आने वाली है. अगर हम एंट्री फॉर्म टाइम पे देंगे तभी हमें ये वाला रिकॉर्ड मिल पाएगा. उसके बाद हमारे पास कितने ग्राउंड अवेलेबल है, कितने कोर्ट अवेलेबल है, ठीक. उसके बाद इक्विपमेंट की क्या फैसिलिटी है हमारे पास, ओके. उसके बाद नंबर ऑफ ऑफिशियल कि हमारे पास एक्चुअल में ऑफिशियल्स कितने हैं, क्लियर. एक बेस हो जाता है इनका. और दूसरा बेस क्या होता है, डे इन विच द टूर्नामेंट इज टू बी कंप्लीटेड. कितने दिन में टूर्नामेंट होगा, ठीक है. एक दिन का है, दो दिन का है, तीन दिन का है. जनरली नेशनल्स क्या होते हैं, फाइव डेज के होते हैं, ठीक है. फाइव टू सिक्स डेज के नेशनल्स होते हैं. तो ये चीजें उनके ये दो मेथड है. अब क्या हमने टूर्नामेंट क्या है मैंने बता दिया. अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, इसकी इंपॉर्टेंस किसने पड़ी. डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट स्किल्स, वेरियस स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स आर डेवलप्ड इन टूर्नामेंट. हम सब खेलते हैं, यस, सभी बच्चे खेलते हैं. आप देखो तो एक जब एक इनफाइनाइट बेबी पैदा होता है वो बचपन से मतलब अपना जब खड़ा होना भी नहीं आता तब से खेलने लगता है. बट क्या उसका कोई टास्क है क्या, नहीं है. और वो आपके धीरे धीरे सभी लोग जनरली एक से ह्यूमन है, सारे लोग दौड़ते हैं भागते हैं. वो दौड़ना आप उसको रनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है. तो क्या है पर टूर्नामेंट करना, जब आप किसी चीज को एक मकसद के साथ जाओगे, किसी एम के साथ किसी के लिए जा रहे हो. अभी तो सब वॉक कर रहे हैं बट अभी यही कह दीजिए वॉकिंग का टेस्ट है. देखो सबकी स्किल बदल जानी है, सबका मेंटल बदल मतलब मेंटल एबिलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो क्या है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स ऑफ वेरियस स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट इन टूर्नामेंट. टूर्नामेंट्स में वेरियस स्पोर्ट्स स्किल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. क्या क्या होता है वो बता देते हैं हम. आप समझ लेते, पांच छह लोग ऑलरेडी गेम को खेल रहे हैं, ठीक है. अब वो आज से नहीं दो सालों में खेल ही रहे हैं, कभी आज तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं गए. पर जब वो कॉम्पिटिशन कहीं टूर्नामेंट से जाते हैं, जब वो अपने जैसे और भी लोगों को देखते हैं तो कोई किसी की स्टाइल कैप्चर कर लेता है, या उसकी खुद की क्या पता बहुत अच्छी स्टाइल हो वो कोई और टीम कैप्चर कर लेता है. तो हमें टूर्नामेंट और भी क्या होता है, हमारा ओलंपिक का मोटो भी यही है, यूनिटी और ट्रांसफर द कल्चर को हमको सीखते और हमको सिखाते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है हमारे वेरियस स्पोर्ट्स स्किल क्या होती है, डेवलप होती है. नेक्स्ट, हेल्पफुल इन सेलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, गुड प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड इजली बाय ऑब्जर्विंग द देयर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट. यस, अभी कई लोग खेल रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि वो कौन सा बच्चा अच्छा है, ठीक है. तो जब कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंस देख करके, अब देखो एक बार लक काम आ सकता है बट टूर्नामेंट में क्या है आपको कॉन्फिडेंस करो. जनरली अगर आप जीत रहे हो तो आपको 3 से 4 राउंड मिलते हैं अपनी परफॉर्मेंस को शो करने के लिए. तो उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए हम गुड प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं. Yes, next, development of national and international intelligence is not only develop the intelligence of national and international level but also gives sense of unity and brotherhood. देखिए sense of unity and brotherhood क्या आ गया, ये आ गया हमारा ओलंपिक का मोटो. हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम एक इंटरेक्शन करना है, हमें क्या है हमें एक यूनिटी दिखाना है, हमें एक भाईचारा दिखाना है अपने नेशन में, अपने स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, डिफरेंट स्टेट में, अपने कंट्री में, इवन मतलब कंट्री के बाहर भी. एशिया लेवल का कंट्री हो गया, एशियन चैंपियन एशियन गेम्स की कंट्रीज हो गए और पूरा होल वर्ल्ड हो गया, सब जगह हम एक स्पोर्ट्स एक तरीका है, एक हमारा एक कह लीजिए आप एक माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं एक यूनिटी एक ब्रदरहुड को डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सोशल ट्रेड सच एज रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, टॉलरेंस एक्सेट्रा आर डेवलप्ड अमंग द पार्टिसिपेंट्स थ्रू द टूर्नामेंट. विद द टूर्नामेंट अगर जब कोई कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट होता है तो हम क्या क्या चीजों को डेवलप करते हैं, हम एक सोशल क्वालिटी को डेवलप करते हैं, हम रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं, रिस्पेक्ट हमारे प्लेयर्स टू प्लेयर्स का, रिस्पेक्ट हमारी सोसाइटी के प्रति, ठीक है. एक ब्रदरहुड हमारे अंदर, डिसिप्लिन डेवलपमेंट होता है हमारे पास, सिंपथी होती है हमारे पास. अगर कोई ऐसा नहीं है, आपने कई सारी पता नहीं वीडियोज देखी है, देखी आप लोग हुसैन बोल्ट की वीडियो देखिए और क्या बोलते हैं हिमा दास की वीडियो देखिए, फिर टीशा जी की वीडियो देखिए, बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब स्टार्स हैं हमारे जिनको देखिए हम खुद मोटिवेट हो सकते हैं. जब वो कॉन्फ्रेंस खेलते हैं डजंट मैटर कि आप जब कॉन्फ्रेंस खेलो तो उसका एम आपका जीतना ही है. यस, जीतना तो होता ही है, सबको जीतना है, कौन हारना चाहता है आज की लाइफ में. बट क्या
है कि अब ऐसा तो नहीं ना किसी को मार के जीत लोगे आप। मुझे भी इधर एक प्लेयर का नाम नहीं आता, वुमेन एथलीट है, रनर ही है, स्प्रिंटर है। जब वो रेस कर रही थी तो क्या था आपकी, जब वो रेस कर रही थी तो जब फिनिशिंग लाइन के जिस बॉर्डर पे ही थी तब तक क्या हो गया, एक आपका जो सेकंड वाला एथलीट है वो आगे क्यों फॉल डाउन हो गया, उसको इंजरी हो गई। बट क्या हो गया, अब आप इंजरी तो कैप्चर करोगे या आप क्या करने वाले हो। बट अगर हमारा देखना वहां पे क्वालिटी ऑफ वर्क किया है, क्वालिटी ऑफ वर्क ये था पहले हमें उसको भी देख लेना, अगर जरूरत है उसको कोई, अगर हमारे हेल्प करने से कोई सेव हो जाता ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये सारी चीजें कहां क्या चीज कर रहे हैं, टूर्नामेंट में हमारी डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों की हो रही है। ओके ओके गाइस, थैंक यू। आई होप अभी तक आपको जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताई थी, प्लानिंग एंड स्पोर्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमने वेरियस कमिटीज के बारे में बात किया था, हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया, उसके बाद टूर्नामेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। इससे अभी तक की हमने आज की वीडियो में इतना ही इतना कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे कि कितने किस टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। ऑल द बेस्ट, इसके से हेल्दी, थैंक यू।